सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। ये चैनल में मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे ऐसे नया वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नया वीडियो देखते रहिए। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे RTD क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ, पहले RTD ये होता है कि RTD का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइस। इसका काम क्या रहता है, जो टेम्परेचर हमारा है उसको हम लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन कितना है उसको मेजर नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए RTD यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक PT100 का RTD है। PT100 का मीन्स क्या है, प्लैटिनम। इसमें प्लैटिनम जो ये यूज होता है, मेटल यूज होता है, वो प्लैटिनम का रहता है। तो देखते हैं सर वीडियो में क्या क्या रहता है इसके अंदर और क्या कहाँ से सप्लाई देते हैं, कहाँ से सप्लाई लेते हैं। ये जो देख पा रहे सब, ये जो दो टर्मिनल देख पा रहे आप लोग, ये दोनों टर्मिनल, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आउटपुट के लिए जो हमारा PLC को जाएगा 4 to 20 milliamps। और ये जो तीन टर्मिनल देख पा रहे, इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, इसमें पॉजिटिव देते हैं, इसमें नेगेटिव देते हैं, इसमें नेगेटिव देते हैं। आपको पॉजिटिव इसमें देना है, नेगेटिव ये दोनों में से किसी में देना है, ठीक है दोस्तों। और ये जो दो देख पा रहे हैं, ये जीरो और स्पाम का है। आपको अगर जीरो करना है और स्पाम करना है, यहाँ से हम लोग ये को रेगुलेट करके कर सकते हैं। तो इसका मेजर कैसे करेंगे कि ये RTD सही है नहीं है। जैसे आप ये आउटपुट टर्मिनल में हम लोग सप्लाई चेक करेंगे, अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है मतलब ये सही है। 100 ओम का रेजिस्टेंस मतलब PT100 का मीन्स क्या है ना, 100 ओम का रेजिस्टेंस में ये 0 degree टेम्परेचर शो करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर 101 ओम आ गया तो इसका मतलब है 2.5 टेम्परेचर आ रहा है। मतलब एवरी 1 ओम टेम्परेचर राइज विल बी 2.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 का टेम्परेचर दिखाएगा, मतलब 2.5 का। तो हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ करते हैं, जैसे फर्नेस में है, हीटर वगैरह में यूज़ करते हैं। हमको जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेंसी है, टेम्परेचर का ज़्यादा एक्यूरेंसी है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बताएंगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ऐसे नया नया इंडस्ट्रियल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।